गुड मॉर्निंग गाइस, हो रही है आज के सुबह के ब्लॉग की शुरुआत नए और तरोताज़ा बर्फबारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं, पिछली मरतबा जब हमने आपको बताया था कि हम ट्रैकिंग करने के लिए इस खूबसूरत सी वैली में आए हैं, तो आज वापसी कर रहे हैं। एक खूबसूरत सा नज़ारा है, यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी पीछे से आ रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में इनके मम्मी पापा, जो भी रिश्तेदार है। बहुत ही खूबसूरत वैली है, देखिए, चील के पेड़, देवदार के पेड़। हेलो, गुड मॉर्निंग, बहुत मज़ा आ रहा है, वाओ, कितना अच्छा। बेटर हॉफ, दिसंबर का दिन है और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस बार 23 दिसंबर को पहली बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लुत्फ उठा रहे हैं। ये देखिए, इधर से बच्चे भी आ रहे हैं और ये पानी जम गया है जिस पर मैं चल रहा हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, ये खड़ुंजा पात, ये MG नरेगा के अंतर्गत बना है, ऐसा हमें लोगों ने बताया है। आप देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन से। दोस्तों, वैली की अगर मैं बात करूं तो एक बार वापस मुड़ के देखते हैं। ये देखिए, माय बेटर हाफ, ये ऐसा जैसा नज़ारा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, जिसे हठौली तहसील के अंतर्गत रखा गया है और जगह का नाम है गंधारी पाडर। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो यहाँ एक घास का मैदान हुआ करता था, लेकिन फ्लड की वजह से अब यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर कंकड़ इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए, ये टेम्पोरेरी सा क्रॉस करने के लिए बनाया है, अब मैं इस पर चढ़ के देखता हूँ। ये देखिए, वाओ, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट इस सीज़न की पहली बर्फबारी का बेहतरीन और भरपूर आनंद ले रहे हैं। आप लीजिए, ऐसा मैं आपको कहता हूँ, आइए एक बार इस वैली को ज़रूर निहारिए। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वैली, आप देख सकते हैं, पर्यटक जिसमें हम भी हैं। ये देखिए, इतना बड़ा घास का मैदान हुआ करता था, अब यहाँ पर फ्लड की वजह से ये सारा जिगजैग हो गया है। ये रेस्ट करने के लिए बनाया गया है, जब भी दूर दूर से यात्री आते हैं, थकते हैं, तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं। इधर से बच्चे आ रहे हैं। हेलो पुत्र, कैसा लग रहा है बेटा? हेलो हेलो पुत्र, मज़ा आ रहा है? वाओ, वाओ, कल कल करता हुआ ये पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है पानी का नज़ारा। वाओ, संकरा और पथरीला मार्ग से होते हुए हम चल पड़े हैं अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश की तरफ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट चंबा के तहसील पांगी की तरफ। ये मेरी बेटर हाफ है, इसको हमने घुमाने के लिए लाया था यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको जी? अच्छा लग रहा है। जो दो तीन दिन हमने यहाँ मोस्टली ट्रैकिंग के लिए आए थे, एंजॉय किया आपने? अच्छा, रास्ता बड़ा बढ़ जाता है ना? ये खड़ुंजा पात है,
यहाँ से खेत शुरू होते हैं। अगला जो पड़ाव है वो हमारा यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे है, गांव इस वैली का हिमाचल की तरफ को आखिरी गांव जिसे हम बटवास कहते हैं, ये उनके खेत ज़मीन। ये वैसे तो रेस्ट करने के लिए है, लेकिन जब कोई गांव से बाहर एक्सपायर होता है तो उसकी याद में भी ये बनाया जाता है। यहाँ कुछ लिखा है लेकिन समझ तो आ नहीं रही है। ये देखिए यहाँ पर देवता है, जय हो, जो भी देवता है हमारी वंदना स्वीकार करें। ये है गौ माता, वाओ। दोस्तों इस खूबसूरत से दृश्य के साथ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा जो प्रयास है वो कैसा लगा। आप मेरे YouTube चैनल केहर सिंह राठौर द हिमालयन स्कॉलर में ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जे एंड के, जय पाउडर, जय गंधारी।